हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फिक्स योर डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर। जी हाँ दोस्तों, ये एक एरर है जो आपको होस्टिंगर के पैनल पर दिखाई देता है। तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है, क्या है ये और क्या रीजन है, क्यों आता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं होस्टिंगर के पैनल पर, जहां पर ये एरर हमको दिखाई देता है, hostinger.in। लॉगिन कर लेते हैं मेल आईडी और पासवर्ड से। यहां पर देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको होस्टिंगर का जो पैनल है वो नजर आने लगता है। यहां पर होस्टिंगर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। होस्टिंगर इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहीं पर आपको जब आप एडिट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक एरर आता है। देखिए किस तरह का होता है वो एरर, मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखिए यहां पर इस तरह का योर डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर, इस तरह का एरर दिखाई देता है। दोस्तों, मैंने काफी सारा रिसर्च किया, एक भी वीडियो इस एरर को लेकर नहीं है जिसमें यह बताया हो कि इस एरर का सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, अगर आपके होस्टिंगर में भी ये एरर आ रहा है तो। दोस्तों, यहां पर देखिए क्या रीजन है। इसके दो रीजन हो सकते हैं जो ये एरर आता है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, तो इसमें कुछ नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से ये आता है। दोस्तों, मेरा होस्टिंगर का पैनल है, उसमें मैं अपनी वेबसाइट को रन करता हूं और मुझको ये करीब दो या तीन महीने में एक दो बार देखने को मिल जाता है योर डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाकर छेड़छाड़ करता हूं तो मेरी वेबसाइट डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ये मैंने कई बार देखा है कि ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। जब भी ये एरर आए तो आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है। फिर भी अगर ये नहीं जाता है तो आप सिस्टम को एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे के लिए बंद कर दीजिए, या फिर अपने होस्टिंगर पैनल को बंद कर दीजिए और शाम के टाइम से फिर को ओपन करके देखें। अगर शाम में सही ना हो तो सुबह को फिर से ओपन करके देखें। मेरा मतलब है 24 घंटे का वेट करें, अगर फिर भी ये सही नहीं होता है तब आप आगे का स्टेप उठाएं। क्योंकि अगर आपका एरर ये ठीक हो जाता है अपने आप और आप इसकी सेटिंग में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला ये कि आपको 24 आवर वेट करना है, ये एरर अपने आप सही हो जाता है। मेरे होस्टिंगर में ये काफी बार आ चुका है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरी चीज क्या होता है, जब आपका जो डोमेन है वो पिन आउट हो जाता है होस्टिंगर पैनल से, तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां देखिए डोमेन्स में जाइए। डोमेन्स में जाने के बाद यहां पर देखिए, मेरे पास होस्टिंगर का अपना डोमेन नहीं है, मैंने किसी थर्ड पार्टी का डोमेन यूज किया हुआ है इसलिए यहां पर नहीं है। लेकिन अगर आपका होस्टिंगर का डोमेन है तो आपको यहां पर दिखाई देगा, तो उसको आपने क्या करना है, उसको यहां पर पिन कर लेना है। इसके अलावा इस सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद होम पे जाना है आपको। होम पर जाने के बाद मैनेज में जाना है और यहां डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहां पर अकाउंट का सेक्शन दिखाई देगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर, इस पर क्लिक करना है और इसमें दो ऑप्शन खुलते हैं, चेंज पासवर्ड और डिटेल्स। डिटेल्स पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको अपने नेम सर्वर दिखाई दे जाते हैं। ये देखिए DNS पार्किंग और NS2 DNS पार्किंग, तो ये दोनों नेम सर्वर हैं, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका नेम सर्वर वहां से फ्लक्चुएट हो जाता है। तो जहां से आपने ये अपना डोमेन परचेज किया है, जिस वेबसाइट से, चाहे वो गूगल डोमेन हो, गोडेडी हो, वहां पर जाकर आपने अपने जो नेम सर्वर्स हैं उनको कॉपी करना है और यहां पर लाकर पेस्ट कर देना है और उनको पिन कर देना है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जब भी आप इसको पिन करते हैं तो ये 24 आवर का टाइम लेता है। देखिए, इफ यू हैव पॉइंटेड योर डोमेन टू अस, प्लीज कीप इन माइंड दैट डोमेन प्रोपेगेशन कैन टेक अप टू 24 आवर। तो यहां पर जल्दबाजी ना करें आप, और अगर आपने पिन कर दिया है तो 24 आवर आपको वेट करना होगा। तो ये सॉल्यूशन है छोटा सा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं, तो हम इसका कोई अदर सॉल्यूशन बताते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम इससे ठीक नहीं होती है तो। इसके अलावा दोस्तों, हमारे हिंदी वर्डप्रेस चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको वर्डप्रेस से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकें, वो भी हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।